वार्ड नंबर 35 में गंदगी का अंबार, लोगों का जीना हुआ दुश्वार। जिला अधिकारी के लाख आदेशों के बाद भी वार्ड नंबर 35 के सभासद और सफाई कर्मचारी अपने आप में दबंग बने हुए हैं। मोहल्ले वासियों की परेशानी को नहीं ले रहे गंभीरता से, जबकि देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान को लेकर तरह तरह के अभियान चला रहे हैं, वहीं एक और रामपुर के वार्ड नंबर 35 में गंदगी का अंबार का मुंह खुला हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि मेंबर हो या सफाई कर्मचारी, इन लोगों को जनता की समस्या का कोई असर नहीं है और यही वजह है कि संक्रामक रोग अपनी दस्तक दे रहा है। मतलब यही कि उल्टी दस्त जैसी खतरनाक बीमारियों से पीड़ित होने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती होने के बाद अपना उपचार करा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा शाहरुख नाम है जी। कहाँ रहते हैं? साहब मैं यहाँ रहता हूँ, कटकुया मोहल्ले पे। जी, क्या मामला है कूड़े का? ये घर भर सामने है, हमारा भी घर सामने है जी। और ये आज रोज कूड़ा पड़ा हुआ यहाँ पे डिब्बा, ये कम से कम एक साल से पड़ा हुआ, इसको साले को चेंज ही नहीं करा जा रहा है जी। तो आपने इसकी शिकायत किसी से की? मेंबर साहब से भी की और 10 जनों से कहा, और बोल रहे गुजरे भारी भरकम लोग मोहल्ले के, वो भी कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे उसके बारे में। और मेंबर साहब से भी कहा जी। तो ये कूड़ा कब से पड़ा हुआ है? कूड़ा कम से कम ये सब टाइम से पड़ा हुआ है। तो डिब्बा नहीं रखा जा रहा है? डिब्बा एक साल से नहीं है, एक साल हो गया इसको टूटे हुए पड़ा हुआ है। सब कहेंगे बदल चुके हैं, सब कहेंगे जिलों के देख रहे हो वहाँ के, मगर यहाँ का ऐसे ही पड़ा हुआ है। और नालों की स्थिति क्या है इस समय? सब गंदे पड़े हुए नाले, बिल्कुल साफ सफाई नहीं हो रही है, बिल्कुल बोलता था। बहुत सारे बीमार पड़े हुए इसकी वजह से, कूड़े की वजह से बीमार हो गए यहाँ के लोग। बदबू ऐसी दूर तक बदबू आ रही है। तो आप क्या चाहते हैं? अभी डिब्बा चेंज करवाना चाहते हैं, यहाँ की साफ सुथराई करवाना चाहते हैं, बस यही चाहते हैं। गंदगी मचा रखी है बिल्कुल, ऐसा देखे कूड़ा पड़ा हुआ 10 दिन से कोई नहीं है, सब नालियाँ बंद पड़ी हुई है, सब उधर से लेके ना सकता, सब वार्ड नंबर के बदल चुके हैं डिब्बे, बस यहाँ का नहीं बदल पा रहा कटुया का।